फ्रेंड्स, मैं सपना लोढ़ा। वेलकम टू माय चैनल सपनास फूड वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पर्युषण स्पेशल, बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट ऐसे इंस्टेंट पोहा वड़ा। बाजरी और मकई के वड़े तो हम हमेशा ही बनाते हैं, पर आज कुछ अलग और कम सामग्री में बनने वाली रेसिपी हम ट्राई करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट पोहा वड़ा। इंस्टेंट पोहा वड़ा के लिए हमें चाहिए पोहा, गेहूं का नॉर्मल आटा, गेहूं का दरदरा आटा, तेल, अमचूर पाउडर, सौंफ जिसको मैंने हाफ क्रश कर लिया है, साबुत धनिया ये भी मैंने हाफ क्रश कर लिया है, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद तिल, शुगर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, हींग और फ्राई करने के लिए ऑयल। सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 कप पोहा को हम बाउल में ले लेंगे और इसे साफ पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसमें से जो कचरा है वो सब निकल जाए। पोहे को मैंने 2 पानी से धो लिया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पोहा भीगने तक के, और इसे 2 मिनट के लिए हम भीगने देंगे, जिससे पोहे हमारे सॉफ्ट होंगे। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। पोहे को मैंने 2 पानी से धो लिया है और इसमें थोड़ा पानी मिला के हम इसे 2 मिनट के लिए भीगने देंगे, जिससे कि पोहे हमारे सॉफ्ट होंगे। 2 मिनट के बाद पोहे हम निकाल लेंगे। मैंने एक चलनी ली है और इसमें हम ये पोहे निकाल लेंगे। हमें ये पोहे का पानी पूरा निकाल कर लेना है। हमें ज़्यादा ड्राई भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं चाहिए। पोहे को मैंने बाउल में निकाल लिया है और यहाँ मैंने गैस पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो हम अभी इसमें हमारे सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम गेहूं का नॉर्मल आटा, जो मैंने 1/4 कप लिया है, वो ऐड करेंगे। बाद में इसमें 1/4 कप गेहूं का दरदरा आटा, हम जो बट्टी के लिए लेते हैं वो आटा है। 1 टेबलस्पून धनिया जिसको मैंने हाफ क्रश कर लिया था, 1 टेबलस्पून सौंफ हाफ क्रश की हुई, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, पर्युषण है इसलिए मैंने अमचूर पाउडर लिया है, यहाँ आप नींबू का रस भी ले सकते हो। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, यहाँ आप हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते की पेस्ट भी ले सकते हो या हरा धनिया भी ले सकते हो, हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, हल्दी पाउडर भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, और 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। इसको मैंने अच्छे से हम इसको मिक्स करके लेंगे। नमक स्वादानुसार 1 TSP हम इसमें डालेंगे, और सबसे लास्ट 3 टेबलस्पून ऑयल। दो पिंच हींग, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, और बाइंडिंग के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही आटा मैंने इसमें लिया है। तो हम अभी इसे अच्छे से मसल के इसकी टिक्की बना लेते हैं। दोनों हाथों को मैंने तेल लगा लिया है, तो हम अभी इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके इसको अच्छे से मिला के इसके वड़े कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रेस करके हमें इसे करना है। हमें इस वड़े को ज़्यादा ठीक भी नहीं रखना है
और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसी प्रकार से हम बाकी के वड़े कर लेते हैं। पोहा के वड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, तो हम अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ जो तेल गरम करने के लिए रख दिया था वो भी अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें वड़े छोड़ देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें रखना है। तेल में ऐड करने के बाद इसे तुरंत हिलाना नहीं है, 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। अभी हम इसे टर्न कर लेते हैं। इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं। दूसरे साइड से हमारे वड़े फ्राई करते टाइम हमें इसे थोड़ा सा फ्रेश करके ऐसे फ्राई करना है, जिससे कि हमारे वड़े फूलेंगे। पोहा वड़े हमारे फ्राई होके रेडी हो चुके हैं, तो हम अभी इसे पेपर नैपकिन में निकाल लेते हैं। है ना, बाहर से ऐसे क्रिस्पी वड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, तो हम अभी इसे सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। तो लीजिए, रेडी है बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट ऐसे इंस्टेंट पोहा वड़े। इसे मैंने दही के साथ सर्व किया है। आप इसे चाय, कॉफ़ी या दूध के साथ एंजॉय कर सकते हो, और आप इसे 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए।